स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और काफी ज्यादा सिंपल टॉपिक होता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं इसके अंदर और ये अदर चैप्टर से रिलेट भी काफी इजीली होता है। देखो क्या होता है ना, जो सिंपल चीजें होती है ना वो कहीं भी फिट हो जाती है, तो वैसे ही है ये भी। और जब वो कहीं और फिट होती है ना तब क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी सिंपल ही है, समझने का ट्राई करते हैं। प्रैक्टिस शीट सेंड करता हूँ लेक्चर के बाद में, आप लोग सॉल्व करना, नेक्स्ट टाइम पे वो डिस्कस करेंगे आप लोग, ठीक है। स्टार्ट करें, यस ओके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिक्स वगैरह ऑलरेडी पता है हम लोगों को। मैक्सिमम पावर अवेलेबल कितना होना चाहिए यहाँ पे, टू, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन इज ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर ये बच जाएगा लीनियर, समझ गए। हाँ, इसके अलावा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एनीथिंग। लाइक थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, हाउ मेनी डिग्री इक्वेशन, टू डिग्री इक्वेशन, बिल्कुल। राइट साइड में जीरो क्यों रखते हैं, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। लाइट से इक्वेशन है दिस, x square minus 3x is equal to 4, x common, remaining x minus 3 is equal to 4, सर मतलब कि ये 0 के टर्म्स में हो जाती है। देखो टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है 4, तो दोनों में से एटलीस्ट वन नंबर का 4 होना कंपलसरी होता है क्या? नहीं, टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 4 आ रहा है तो एटलीस्ट वन नंबर तो 4 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। इट इज पॉसिबल कि ये हो 100 और ये हो जाए 1 अपॉन 25, then also multiplication will be 4. ये भी possible है कि like ये हो गया 2 and this is also 2, then also multiplication will be 4. तो कितने possibilities हैं इसे? Infinite. हाँ, ठीक है, but suppose करो आप इसको using transposition लेके आते left side और फिर ये होता x square minus 3x minus का 4 is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स करते हैं, लाइक x माइनस 4 इनटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0, 100 एंड 1%, एटलीस्ट वन नंबर शुड बी 0, आइदर दिस 0 x इज इक्वल टू 4 और दिस 0 x इज इक्वल टू माइनस 1। हाँ, ठीक है, तो टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो फिर हम लोग डेफिनेटली बोल देते हैं कि अच्छा टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, मतलब एक नंबर तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कभी जीरो आता है क्या? नहीं, जीरो को तो जीरो ही बनाता है बस, है ना, ठीक है। जैसे कंपोजिट नंबर बनते हैं प्राइम नंबर से, ऐसे ही जीरो तो जीरो से ही बनता है, ठीक है। तो राइट साइड शुड बी जीरो। ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करो, जैसे इक्वेशन है दिस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। डिटरमाइन कंडीशंस ऑन ए बी सी एंड डी सच दैट गिवन इक्वेशन, डिटरमाइन कंडीशंस ऑन ए बी सी डी सच दैट गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सिंपल ही है। ऐसा लोगों को लगता है कि अच्छा ये एक्स क्यूब है मतलब ये तो थ्री डिग्री इक्वेशन है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है ना। जब तक आप ए के ऊपर कंडीशन फिक्स नहीं करोगे तब तक कोई कमेंट नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन था कि दिस इक्वेशन शुड बी क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के लिए एक्स क्यूब शुड बी रिमूव्ड, यानी a जीरो बट x स्क्वायर नहीं हटना चाहिए, b नॉट इक्वल टू जीरो। और क्वेश्चन होता कि गिवन इक्वेशन इज अ क्यूबिक देन a इज नॉट इक्वल टू, हाँ तो फिर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। b c d कैन बी एनीथिंग, लाइक x क्यूब इज इक्वल टू जीरो, हाउ मेनी डिग्री इक्वेशन, थ्री डिग्री इक्वेशन, बिल्कुल। अभी क्वेश्चन है लेट्स से दिस कि गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर तो फिर ए और बी जीरो, सी जीरो नहीं होना चाहिए और डी कुछ भी हो सकता है,
ए जीरो, बी भी जीरो, बी को भी हटना पड़ेगा यहाँ से, बट सी नॉट इक्वल टू जीरो जीरो. इफ ए बी सी ऑल थ्री जीरो देन डी जीरो जीरो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो, यानी डी मस्ट बी. नहीं हुआ तो मैच ही नहीं करेगा. नहीं हुआ तो मैच ही नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल. ठीक है. अच्छा ये बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इफ ए इज इक्वल टू. अच्छा सुनो सुनो, है ना, जैसे अभी यहाँ पे गिवन इक्वेशन इज अ क्यूबिक था, तो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन हैविंग हाउ मेनी रूट्स, मैक्सिमम. हाँ थ्री रूट्स, तो थ्री रूट्स समझ में आना चाहिए. अच्छा थ्री रूट्स की बात हो रही है, मतलब क्यूबिक है. अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑप्शन वी कैन राइट गिवन इक्वेशन हैविंग हाउ मेनी रूट्स, टू रूट्स. हाँ थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग गिवन इक्वेशन शुड बी हैविंग वन वन रूट. हाँ बोलो हर्षवर्धन सर, इन केस ऑफ सेम रूट्स उसमें क्या करेंगे, यानी क्यूबिक में अगर दो ही होते हैं. सुनो जैसे x टू द पावर 100 इज इक्वल टू 0, 100 रूट्स आर देयर, ऑल रूट्स आर 0 0 0, 100 रूट्स हैं एंड ऑल रूट्स सेम है, समझ गए? डिस्टिंग नहीं है सर, यानी बस दिया है कि an equation is two roots, one of them is one and the second one is three. तो फिर क्यूबिक भी तो हो सकता है ना, उनमें से कोई सेम रिपीट हुआ होगा तो फिर. सुनो 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 सुनो, एक्चुअली क्या होता है ना, स्टेटमेंट ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं देते हैं कभी भी, बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट देते हैं कि गिवन इक्वेशन हैविंग थ्री रूट्स वेयर टू रूट्स आर सेम. या फिर सपोज करो इस तरीके से गिवन है कि गिवन इक्वेशन हैविंग एक्जेक्टली टू रूट्स, तो एग्जैक्टली टू रूट्स का मीनिंग तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ गए? हाँ डिस्टिंक्ट वर्ड को यूज करेगा वो, अदरवाइज सेम वर्ड यूज करेगा. ठीक है ओके. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ऑल जीरो देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या कमेंट करोगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन इक्वेशन. इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मीनिंग ये होता है कि जब आप वो वैल्यू वहां पे पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी सेम. ठीक है, अभी ए जीरो है, बी जीरो है, सी भी जीरो है, यहाँ पे तुम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो डेफिनेटली कितना आने वाला है? जीरो. दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय एनी वैल्यू ऑफ एक्स, यस और नो? ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. सभी लोग थोड़ा केयरफुली समझो है ना, क्योंकि चीजें सिंपल है, थोड़ा फास्ट ही करने वाले हैं, क्वेश्चंस पे फिर फोकस करने वाले हैं. स्टार्टिंग का तो बेसिक्स है पूरा, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी. ये वर्ड माइंड में रखना, आइडेंटिटी. ठीक है, कई बार इस तरीके से गिवन होता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस इक्वेशन हैविंग मोर देन टू रूट्स, तो मोर देन टू रूट्स के बाद थ्री रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थ्री रूट के लिए होना चाहिए एक्स क्यूब. तो इफ मोर देन टू रूट्स आर देयर देन डेफिनेटली इनफाइनाइट रूट्स विल बी देयर एंड फॉर इनफाइनाइट रूट्स ऑल कोफिशिएंट्स शुड बी जीरो. ये सब तभी वैलिड है व्हेन राइट साइड शुड बी जीरो. जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इफ क्वेश्चन इज गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. आंसर इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे आप, इसमें कुछ भी रख दो, ये आइडेंटिटी है. और ये फॉर्मूला जब बुक्स में लिखा होता है तो वहां पे ऐसे कुछ होता है क्या कि a नॉट इक्वल टू जीरो या b नॉट इक्वल टू नेगेटिव, ऐसे कुछ होता है क्या बोलो? तो ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का स्पेशलिटी यही होता है कि सारे वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं इसको. ओके,
ठीक है, तो ये माइंड में रखना है आप लोगों को कि गिवन इक्वेशन आइडेंटिटी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है व्हेन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे एक सेकंड बस, यहाँ पे राइट हैंड साइड है जीरो, यानी ऑल कोफिशिएंट जीरो। हाँ हर्ष बोलो। सर अगर ऐसे लिखा भी कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर एक ही कंडीशन है जो जो a सेटिस्फाई करता नहीं है, तो फिर इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में से एक वैल्यू अगर चली गई तो कुछ नहीं होगा ना। यार तुम कमाल की बात कर रहे हो, तुम बोल रहे हो a नॉट इक्वल टू जीरो, ये बोल रहे हो ना आप। यानी अगर कुछ भी a नॉट इक्वल टू 1 a नॉट इक्वल टू 2 ऐसे अगर किया। नहीं, नॉट इक्वल टू 1 अलग बात है, नॉट इक्वल टू 0 अलग बात है। ठीक है, अगर a का बाकी कोई भी वैल्यू आ गया तो फिर मतलब सॉल्यूशन हो जाएंगे ना, वो तो क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा ना फिर तो। हाँ, नॉट इक्वल टू 0 होना एक अलग बात है, नॉट इक्वल टू 1 होना एक अलग बात है, समझ गए। हाँ हाँ, तो नॉट इक्वल टू 0 पे तो ये डेफिनेटली बनेगा क्वाड्रेटिक, और ये क्वाड्रेटिक बन गया तो फिर इसके डेफिनेटली है हाउ मेनी रूट्स, 2। नॉट इक्वल टू 1 अलग बात है ना, नॉट इक्वल टू 1 अलग है, नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 2 एक अलग। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4x प्लस पी स्क्वायर माइनस p इज इक्वल टू 0 इफ गिवन इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन हैविंग मोर देन टू रूट्स देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। ये क्वेश्चन, इफ गिवन इक्वेशन हैविंग मोर देन टू रूट्स, मोर देन टू रूट एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है इफ दिस इक्वेशन बिकम्स n। आइडेंटिटी यानी ऑल कोफिशिएंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम। सर 1 है, हाँ ये सर 1 ही है क्योंकि सब्स्टिट्यूट किया तो आ रहा है। तो ऑल कोफिशिएंट्स जीरो यानी पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 जीरो एट द सेम टाइम, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 भी जीरो एंड एट द सेम टाइम पी स्क्वायर माइनस p इज इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स और फिर रूट्स 1 2, यहां पे रूट्स आएंगे 1 और 4 और यहां पे 0 और 0 1 इनमें कॉमन वैल्यू इज कॉमन वैल्यू कितना है बोलो 1। सो फाइनली आंसर है p इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। सॉल्व करना है, इफ x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन quadratic equation then find the value of p। same question last year bhi bataya tha वैसे ही। if x is equal to 1 is the root of given quadratic equation, root ka speciality kya hota hai, root equations ko satisfy karte hain, yani aap x ki value put karte ho then left hand side and the right hand side should be equal। बिल्कुल सर 3 है, ये सर 3 है। तुम लोग समझते नहीं हो यार, x इज इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे, तो ये हो गया अभी p माइनस 3 क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा ना, p माइनस 3 हाँ
माइनस थ्री होगा, तो पी प्लस टू पी यानी थ्री पी माइनस थ्री माइनस फाइव और माइनस वन यानी कि माइनस का नाइन इज इक्वल टू जीरो, पी इज इक्वल टू थ्री, बट दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फर्स्ट पेज पे लिखा है उन्होंने सबसे ऊपर, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यार ये तो मतलब मैथ्स में क्या होता है ना, कंसेप्ट प्रिकॉशंस वाले ज्यादा होते हैं, लॉगरिथम में अपने प्रिकॉशंस होते हैं कि नंबर एंड बेस शुड बी पॉजिटिव, बेस कैन नॉट बी वन, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रिकॉशंस हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस हैं। क्वाड्रेटिक का प्रिकॉशन ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है नॉट पॉसिबल या फिर नो सॉल्यूशन, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो हैविंग रूट अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन S 10 minus where S n is equal to alpha to the power n plus beta to the power equal to. ये क्वेश्चन x square minus 4x plus 3 is equal to 0 having roots alpha and beta, then find the value of the expression, this expression s 10 plus 3 times s 8 upon s 9 where sn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n, हाँ, इसका मीनिंग ये हो गया कि S10 is equal to, एक सुनो 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 सुनो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पर आप सिक्स कर लो, ठीक है, अभी सही है। जैसे S10 हो गया अल्फा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10, S9 will be अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9, S8 alpha to the power 8 plus beta to the power 8. ये इसको रीड करना हुआ अभी तो सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, ये क्वेश्चन करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हैं। S10 plus 3 times S8 upon S9, ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी सा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। X square minus 6x plus 3 is equal to 0 having roots alpha and beta. Then find the value of the expression, this expression. S8 plus 3 times, sorry, S10. Solve karte hain. S10 plus 3 times S8 upon S9. सॉल्व करो आंसर चैट बॉक्स में।
सही नहीं, क्या से बोल रहे हो? जीरो जीरो तो कैसे आएगा बेटे, जीरो आंसर नहीं है। अच्छा व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? सर अल्फा के टर्म्स को रीग्रुपिंग करेंगे सर, अल्फा राइट साइड में और बीटा लेफ्ट साइड में ऐसे, फिर आगे और अल्फा पावर 8 कॉमन निकालेंगे और अल्फा स्क्वायर प्लस 3 ऐसे कॉमन निकल जाएगा सब। बिल्कुल सही है, अल्फा टू द पावर। अच्छा फिर अल्फा स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू वहां पे इक्वेशन से पुट करेंगे यहां पे। हां देखो यहां से बीटा टू द पावर 8 कॉमन आ गया, रिमेनिंग बीटा स्क्वायर प्लस 3। अब सुनो देखो क्या होता है ना यार, हम लोग पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, बट हम लोग रूट्स को यूज नहीं कर पाते, ठीक है। गिवन इक्वेशन था दिस और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, रूट्स का स्पेशलिटी रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 3 शुड बी 6 अल्फा आएगा वो। Same expression for beta also. So alpha square plus 3 can be written as 6 alpha. ये step बहुत ही simple सा है और important है। Step जैसे इतना ही है कि alpha इसको satisfy करेगा। इसको Newton-Raphson method भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? Degree कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कितना degree था ये? 2। और 2 degree को आपने express किया in 1 degree। हाँ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 दिस कैन बी रिटन एज 6 अल्फा, सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज 6 बीटा। 6 ओवरऑल कॉमन रिमेनिंग, अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9 और डिनोमिनेटर में है क्या s 9, यानी अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर फाइनल आंसर 6। तो काफी सिंपल सा आंसर है इसका 6। डन। तो बस इतना ही कंसेप्ट है, क्वेश्चन कंप्लीट। सर आपने वो वैल्यू की चेंज करवा के ली थी वहां पे? यार वैल्यू चेंज करवा के एक्चुअली इसलिए लिखा था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था दिस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, में क्या रूट्स इजीली आ गए थे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। तो ये सब करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नहीं रिक्वायरमेंट तो होगा फिर भी, है ना, क्योंकि 3 टू द पावर 10 तो कैलकुलेट नहीं करेंगे ना। तो कॉमन तो निकालना ही था मतलब। हां कॉमन तो तभी निकालना था, तो वैल्यू चेंजेस इसलिए करते हैं कि इजीली रूट्स ना आए। एक्चुअली क्या होता है ना, यदि आपके रूट्स इजीली आ रहे हैं ना, फिर तो आप कोई कांसेप्ट यूज ही मत करो, आप रूट्स ही फाइंड कर लो। यहां पे इजीली रूट्स आएंगे क्या बताओ? नहीं तो यहाँ पे इजीली रूट्स तो नहीं आने वाले, यहाँ पे आप यूज करोगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर वहां से स्क्वायर रूट्स वगैरह में रूट आएंगे। तो स्क्वायर रूट वगैरह क्या प्रेफर नहीं करते हम लोग, अवॉइड करते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, नेक्स्ट पॉइंट है दिस रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशियंट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशियंट्स। जैसे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो गए ना, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। रूट्स फाइंड करने का मेथड ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, फिर होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और फिर हम लोग यूज कर लेते हैं क्या फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा प्लस बीटा समेशन ऑफ रूट्स, ये आपके बोर्ड्स में भी आता है, ये आता है कितना माइनस b बाय a। b इज कोफिशिएंट ऑफ x, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड अल्फा बीटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स ये आता है c बाय a। ये वैल्यूज कैसे आ रहे हैं देखो, फर्स्ट वैल्यू था दिस और सेकंड वैल्यू है दिस, फिर इनको करोगे आप ऐड, एलसीएम 2a दिस प्लस और दिस माइनस कैंसिल,
माइनस बी माइनस बी यानी कि माइनस का टू बी अपॉन टू ए, तो समेशन आ गया माइनस का बी अपॉन ए, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई, हाँ तो फिर आता है कितना सी अपॉन ए। तो रूट्स का समेशन और मल्टीप्लीकेशन फाइंड करने के लिए आपको रूट्स फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है, जस्ट कोफिशिएंट्स को यूज करके रूट्स फाइंड कर सकते हो इजीली। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए, क्लियर। yes. तो कर लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिस, 3x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है ये कि अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब करो। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब ये सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एलसीएम अल्फा बीटा न्यूमरेटर अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिस इज ऑलरेडी नॉन टू अस, सिमिलरली अल्फा बीटा इज आल्सो नॉन टू अस, अल्फा बीटा इज 1 बाय 2, एवरी थिंग शुड बी विद साइन, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, हाँ बी है माइनस 6 और ए 3 यानी कि 6/3 यानी कि 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन में है अल्फा बीटा, ये वैल्यू करोगे यहां पे सब्स्टिट्यूट, क्वेश्चन सॉल्व अभी फुल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है तगा, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ कॉमन टर्म अल्फा बीटा कॉमन लेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 having roots alpha and beta, then find the value of the expression, this expression 2 alpha cube plus 7 alpha square plus alpha minus 10 plus 2 beta cube plus 7 beta square plus beta minus 10 without calculating roots. Without, हाँ ये क्वेश्चन, सेम एक्सप्रेशन बीटा में 2 बीटा क्यूब 7 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 10, इसमें आर एफ थ्योरम में आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाया था वो यूज होगा यहाँ पे,
मैंने बताया था कई बार क्या होता है कि लेंथी एक्सप्रेशन होता है तो काफी सारे टर्म्स को जीरो के मल्टीप्लाई में लेके आ जाते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन रेडी करना होता है जिसका वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो। हाँ, तो यहाँ पे है एक्सप्रेशन 2α² + 3α - 5, ये कितना आ रहा होगा, क्योंकि ये इसका रूट। अब एक काम करो, इस एक्सप्रेशन को पिक करो और इसको डिवाइड कर दो इससे, एंड रिमाइंडर विल बी द आंसर। करो सब सर। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 2 कॉमन ले लेंगे फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा के कॉमन निकाल के अल्फा स्क्वायर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी कर सकते हो और फिर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। अभी सपोज करो ये जस्ट 3 डिग्री ही है, 3 डिग्री के प्लेस पे 5 डिग्री 6 डिग्री होता तो फिर क्या करते हैं। हाँ, तो कंसेप्ट सिखाने के लिए क्वेश्चन है, मेथड तो कोई भी यूज कर लो एग्जाम टाइम पे सर। लेकिन फिर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डिवाइड करना भी हार्ड रहेगा ना, कई बार इजीली भी हो जाता है डिवाइड, ठीक है। बहुत ज्यादा वैल्यू है तो रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेते हैं, नहीं ओके। सो ये है डिवाइड करना है, स्टार्टिंग में डिवाइडेड बाई अल्फा यानी 2α³ + 3α² - 5α साइन माइनस माइनस प्लस चेंज 7α² - 3α² 4α² और फिर आगे 6α - 10 नाउ डिवाइडेड बाय 4α² + 6α - 10 खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो बिल्कुल ही कैंसिल ही हो गया। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा होगा, अल्फा प्लस 2 ऐसे ही बीटा का बीटा प्लस, अरे नहीं जीरो आ रहा होगा ना, जीरो। हाँ भाई, कोशेंट जो होता है ना, कोशेंट सॉरी क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस प्लस रिमाइंडर। हाँ हाँ, डिवाइजर की वैल्यू कितनी है, जीरो है, जीरो इनटू दिस भी जीरो और रिमाइंडर तो वैसे भी जीरो आ गया। हाँ, तो एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना, हाँ, इसका वैल्यू रिमाइंडर के इक्वल आता है, यही सिखाया था आपको रिमाइंडर इन फैक्टराइजेशन थ्योरम में। तो ये आ गया जीरो, सेकंड वन इज आल्सो जीरो, जीरो फाइनल आंसर जीरो। क्वेश्चन में लेट से थोड़ा सा कर लेते हैं चेंज, अभी आप आंसर बताओ कितना। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर, सर माइनस अल्फा 2.5 आएगा, नहीं सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिवाइड करोगे लास्ट में रिमेनिंग क्या रहेगा, अल्फा। तो यहाँ पे रिमेनिंग होगा अल्फा, आएगा बीटा, यानी फाइनली रिजल्ट आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 3/2 अपॉन 2। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, डन। ओके, इसमें एक पैटर्न के क्वेश्चन और आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन होते हैं। क्वेश्चन है जैसे दिस, 5x² - mx + 1 = 0 हैविंग रूट्स इन 3:2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हैं। 5x 5x² - mx का प्रॉपर्टी यूज करेंगे,
जो भी करना है करो, आंसर ये क्वेश्चन है 5x² - mx + 1 = 0 having roots 3:2 then find the value of x, ये क्वेश्चन है। यानी रूट्स आर 3 अल्फा एंड 2 अल्फा 3:2 है ना। एक बार यूज करो समेशन, एक बार यूज करो मल्टीप्लिकेशन, अल्फा एलिमिनेट कर दो, बस इतना ही क्वेश्चन है। करो ट्राई करो, देखते हैं। एनटीएसी में भी क्वेश्चन आते हैं चीजों से, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। समेशन ऑफ रूट्स कितना आ रहा है बोलो? 5 α = -m/5 - b / a, b है माइनस m अपॉन a है 5, यानी प्लस m अपॉन 5। एंड प्रोडक्ट कितना आ रहा है बोलो? 3 α × 2 α 6 α² = 1/5 अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, अल्फा इज एम अपॉन 20। हाँ बिल्कुल। So m square is equal to 6 × 5 और यहाँ पे आ गया कितना 620। Finally m is equal to plus minus under root of 125/6। If any student having any doubt, आप लोग बोल सकते हो ना, डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया 625 25 स्क्वायर और फिर डिनोमिनेटर में 6 × 5 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कैंसिल 125 टाइम्स, तो 125/6 125 इज 25 × 5 यानी 5 रूट 5 5। हाँ बिल्कुल डन। चलो एक ये क्वेश्चन करके बताओ, देखते हैं। काफी स्वीट सा क्वेश्चन है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, काफी इजी है। a टाइम्स b माइनस c एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स c माइनस a प्लस c टाइम्स a, सॉरी a टाइम्स b माइनस c एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स c माइनस a x प्लस c टाइम्स a माइनस b, एक सेकेंड, प्लस c टाइम्स a माइनस इज इक्वल टू जीरो। इफ दिस इक्वेशन हैविंग सेम रूट्स देन a comma b comma c in which type of progression? Option a arithmetic, arithmetic का speciality middle term का to b equals a plus, हाँ middle term का double is equal to first term plus third term, geometric progression का speciality c and harmonic progression का speciality b is equal to 2ac / a + c एंड डी है क्या नन ऑफ,
करो देखते हैं क्या। वैसे कंसेप्ट बाद में आता है, याद है तुम्हें, सेम रूट्स डी शुड बी। जीरो, बट अभी डी वगैरह यूज नहीं करना है, आपको सोचना ही है। ऐसे सोच के देखो कि कोई रूट दिख रहा है कि इसमें आपको एक्स से डायरेक्ट के एक्स की कोई वैल्यू पुट की और ये जीरो आ गया। ऐसे दिस इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो हैविंग सेम रूट्स then a b c in arithmetic geometric harmonic या none of these। Who will explain this question? Sir. How will it? Sir, इसमें x की value one put करने के बाद सब zero हो रहा है। देखो क्या होता है ना, कभी भी आपको क्वेश्चन में a माइनस b, b माइनस c ऐसा कुछ दिखता है ना, जैसे एक कंसेप्ट ये बताया था कि कभी भी some terms are given as equal तो आप उसको put करते हो is equal to। हाँ, ऐसे concept ये भी है कि कभी भी आपको a minus b, b minus c, c minus a ऐसा कुछ दिखता है ना, तो हमें x is equal to one put करके check करना चाहिए। one to the power any number will be one और आप one put करते हो तो ये बन गया अभी a b minus a c plus b c minus a b plus a c minus b c कैंसिल हो गया है, ये भी कैंसिल हो गया है, ये भी कैंसिल हो गया है, जीरो इज इक्वल टू जीरो वन इज द रूट। इंफॉर्मेशन गिवन है बोथ रूट्स आर सेम, यानी बोथ रूट्स आर वन। हाँ, अब आप यूज कर लो आइदर समेशन ऑफ रूट्स या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। क्या यूज करना है वो, समेशन या मल्टीप्लीकेशन यूज किया और आ गया ए बी माइनस ए सी इक्वल सी ए माइनस सी। मल्टीप्लीकेशन यूज कर लेते हैं, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन और ये होता है सी वाई सी टाइम्स ए माइनस बी अपॉन ए टाइम्स बी माइनस। इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोजिशन करो, वैल्यू ऑफ बी फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी करो फाइंड। Value of b in terms of a and c. B is equal to 2ac upon A plus definitely A B C in harmonic progression। ये आपको direct learn होना चाहिए। A B C बहुत ही simple सा है ना, tough जैसा कुछ है नहीं इसमें। Arithmetic double of middle term is equal to first plus third। A B C geometric square of middle term is equal to first into third। A B C harmonic then B is equal to 2AC upon A plus C। क्लियर? Yes। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेक्चर के बाद में एक बार रिवाइज करना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्व करो, AX square BX plus C is equal to zero having roots sin theta and cos theta, then determine relation between a b and c। ये क्वेश्चन, मतलब इस इक्वेशन के रूट गिवन है sin theta cos theta, तो आपको a b c में रिलेशन फाइंड करना है।
ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो, काफी इजी सा क्वेश्चन है। साइन थीटा और कॉस थीटा की प्रॉपर्टी यूज करनी है उसमें, क्या प्रॉपर्टी है बोलो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। करो सर। सर रिलेशन यानी प्रोग्रेशन के टर्म्स में बताना है? प्रोग्रेशन के टर्म्स में नहीं, रिलेशन बिटवीन ए बी सी, और वैसे भी फाइनल आंसर विल डिपेंड ऑन द ऑप्शन। फाइनल आंसर तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या स्ट्रक्चर है। ओके सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब एक रिलेशन आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स 0। तो देखो ये है बेसिकली, अरे यार ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज सी बाई ए इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन गया अभी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए इज इक्वल टू, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। और सिंप्लीफाई करना है फर्दर और कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ रहा है बोलो? बी स्क्वायर माइनस 2ac इज ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 1, और वी कैन राइट दिस आल्सो बी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ ये भी लिख सकते हो, बाकी ये भी कर सकते हो ट्रांसपोजिशन वगैरह करके कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। ये सारे ऑप्शन करेक्ट है, वो तो फाइनली ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में ये फॉर्मेट है या फिर ये फॉर्मेट है या फिर दिस फॉर्मेट है। डन? यस। एनी डाउट? ओके नेक्स्ट पॉइंट ये समझने का ट्राई करते हैं, इजी सा पॉइंट है। पॉइंट है दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स, ठीक है? ये कंप्लीटली रिवर्स रिवर्स हैंडिंग ही हो गया, मतलब इक्वेशन गिवन है तो रूट्स फाइंड करना और रूट्स गिवन है तो इक्वेशन फाइंड करना, ठीक है? जैसे समझने का ट्राई करना, लेट्स से इक्वेशन है दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बेटा। अच्छा ये बताओ, जैसे x square minus 3x plus 2 is equal to 0, 2x square minus 6x plus 4 is equal to 0, 3x square minus 9x plus 6 is equal to 0, इन थ्री इक्वेशंस के रूट्स सेम और डिफरेंट? सेम 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 ही रूट है ना, 2 मल्टीप्लाई किया दोनों साइड,
2x² - 6x + 4, और इसके लिए आपने दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई किया है, 3x² - 9x + 6, 0 × 3 = 0। दोनों साइड नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे इक्वेशन चेंज नहीं होता, जैसे 5 = 5 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 2, 10 = 10। हाँ, बट एक साइड ही मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर डिफरेंट होता है, है ना। अच्छा, तो ax² + bx + c = 0, इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। लेट से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ बी ए, तो ये बन गया x² + b / ax + c / a = 0। इस इक्वेशन के रूट्स भी क्या होने चाहिए, अल्फा एंड, दोनों साइड डिवाइडेड बाई ए किया है, 0/a कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस एंड दिस इज माइनस, हाँ, तो बी अपॉन ए विल बी सेम एज माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही अल्फा बीटा इज इक्वल टू C upon A, यानी C upon A के प्लेस पे आप यूज कर सकते हो क्या, अल्फा बीटा, तो B upon A के प्लेस पे यूज कर लेते हैं दिस माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हाँ, और C upon A के प्लेस पे यूज कर लेते हैं क्या अल्फा, तो ये इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, सेम इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स, ये आपको वर्डिंग्स में लर्न करके रखना है, x² - (x + ) = 0, x² - (x + ) = इन फर्स्ट ब्रैकेट समेशन ऑफ रूट्स एंड इन सेकंड ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यार काफी कम स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात, देखो बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो लेक्चर में, वही बेस्ट रहता है, और ये चीज तो आपको अपने आप से मॉनिटर करना पड़ेगा, लेक्चर में इंटरेक्टिव रहना है ना। x² - (x + ) = 0, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर सम समेशन एंड इन सेकंड ब्रैकेट प्रोडक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है, क्लियर, यस। एग्जांपल करते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 2 and -5। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में आपको आंसर बताऊं, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है दिस x² - 3x + 10 = 0, ऑप्शन बी है 2x² + 6x - 10 = 0, ऑप्शन सी है -x² - 3x - 10 = 0, और ऑप्शन डी है ये। आंसर चैट बॉक्स करना है, ऑप्शन ई भी लिख लेते हैं इसमें, नन ऑफ दिस। बताओ आंसर,
फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 2 एंड माइनस 5. अच्छा ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ना, मल्टीपल करेक्ट है. ओके मल्टीपल करेक्ट यानी मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट. मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट. आपको लगता है एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो वो भी रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट में वन ऑप्शन भी हो जाता है कई बार करेक्ट. हाँ सर, मुझे तो लग रहा है एक ही ऑप्शन करेक्ट है. तो कई बार जो लग रहा होता है ना वो थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए. नहीं सर, एक ही है करेक्ट. कर लो, चेक कर लो यार, अभी आराम से. बी के बाद में सी और डी भी है. स्टार्ट करते हैं. देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है दिस, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट समेशन ऑफ रूट्स एवरीथिंग शुड बी विद द साइन 2 और माइनस 5 का समेशन 3 नहीं होता, माइनस 3 होता है. एंड 2 और माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 2. तो ये हो गया अभी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब आप चेक करोगे ऑप्शंस, ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ऑप्शन बी रॉन्ग ही रॉन्ग है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करते हो 2 दोनों साइड तो ये बनना चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. बट यहाँ पे है माइनस का 10, पॉसिबल नहीं है. ऑप्शन सी तुम्हें दिख रहा होगा माइनस एक्स स्क्वायर है. देखो ध्यान रखना सेम नंबर मल्टीप्लाई करने का फ्रीडम होता है दोनों साइड, है ना. तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इंटू माइनस 1 यानी कि 0. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि प्लस 10 होना चाहिए बट यहाँ पे है कितना माइनस 10. डी में दिख रहा है माइनस 3x स्क्वायर, इसको 3 और मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 30 इज इक्वल टू 0 इंटू 3. ये ऑप्शन करेक्ट. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सर, ऑप्शन डी, जस्ट ऑप्शन डी जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को. मतलब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2 प्लस माइनस 5 माइनस 3 आएगा और बी ऑप्शन में माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3 आएगा और अल्फा बी सी वाला आएगा वो भी सेटिस्फाई कर रहा है. नहीं करेगा बेटा माइनस 10 बाय 2 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 5 होता है ना. हाँ नहीं तो हाँ क्या मतलब कर रहा है कि सेटिस्फाई नहीं. So final answer is only option D. बिल्कुल clear. हाँ next question आप लोग ये solve करें. If A and B are two numbers such that a square minus 4a plus 1 is equal to plus 2 is equal to 0 and b square is equal to 4b minus 2, then find the quadratic equation
of which roots are a plus b and a into b. यानी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटरमाइन करना है ऑफ विच फर्स्ट रूट इज ए प्लस बी एंड सेकंड रूट इज ए बी. हाँ ये क्वेश्चन. करो सॉल्व. आदित्य आंसर तो रॉन्ग है आपका. इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड बी स्क्वायर माइनस मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी माइनस टू देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर ए प्लस बी एंड ए टू बी. ये क्वेश्चन है. अच्छा ये दोनों रिलेशन सेम और डिफरेंट? सेम सेम ही है. ये दोनों एग्जैक्ट सेम है. जस्ट ए और बी इंटरचेंज हो रहा है. यस और नो? तो इन दोनों रिलेशन का इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए? इक्वल्स बी नहीं, ए इज इक्वल टू बी थोड़ी है. इन दोनों एक्सप्रेशन या रिलेशन या इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन ये होगा कि ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. देखो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी इजी सा कंसेप्ट है. जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. इस इक्वेशन के रूट्स है लेट्स से अल्फा एंड बीटा. तो रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा कितना आना प्लस सी कितना आना चाहिए? जीरो. ऐसे ही ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी आल्सो जीरो. ठीक है, यहां पे हम लोगों ने यहां से स्टार्टिंग किया था इफ दिस देन दिस. ये क्लियर? लेट्स से ये रिवर्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी जीरो एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी जीरो. तो फिर अल्फा एंड बीटा मस्ट बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ये इसका जस्ट एक रिवर्स स्टेटमेंट है. इक्वेशन है तो सेटिस्फाई करेगा. ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहे चीजें तो इसका मतलब रूट्स रहे होंगे. समझे? सेम यहाँ पे है, बस एक ही प्लेस पे जस्ट बी है और कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें. यानी ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ए और बी के प्लेस पे आप लिख दो एक्स
x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 इज इक्वल टू, तो a प्लस b 4 आएगा, a प्लस b आ जाएगा, सिद्धेश सही बोल रहे हो, माइनस b अपॉन a यानी कितना 4 और a इनटू b 2 आएगा. Now we have to determine a quadratic equation of which roots are a plus b and a. यानी first root तो है this और second root है this. Quadratic equation का structure क्या होता है? X square minus alpha plus beta x plus alpha beta bracket x plus bracket zero in first bracket. समझ गए? हाँ. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सर, आप लोग अभी ये क्वेश्चन लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन चलो क्वेश्चंस करेंगे सारे, एक सिंपल सा कंसेप्ट और बताता हूं मैं आप लोगों को ना, ताकि आप लोग शीट कंप्लीट कर लो पूरा. नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या, नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वाला कंसेप्ट है, इससे क्या है शीट में काफी सारे क्वेश्चंस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे आप लोग. स्टार्ट करते हैं, सभी लोग ध्यान समझो, इजी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 और a कॉमा b कॉमा c शुड बी रियल नंबर्स, तभी हम लोग डायरेक्ट कमेंट करते हैं चीजों में, रूट्स मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला है ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस 4 एसी अपॉन 2. अभी देखो क्या होता है ना, ये चीज आप लोगों को कई बार बताया है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइन होता है क्या? नहीं, नहीं होता, इसको हम लोग बोल देते हैं नॉट डिफाइन. और सपोज करो स्क्वायर रूट में है पॉजिटिव तो डिफाइन है, एक रूट आपको मिलेगा यूजिंग प्लस साइन और अदर रूट मिलेगा आपको यूजिंग, और सपोज करो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया जीरो प्लस माइनस जीरो, कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, मतलब नहीं. हाँ, मतलब आपको एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है बस. तो बेसिकली नेचर ऑफ दिस इक्वेशन इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, यस और नो? यस. और इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, डिटरमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं. डिस्क्रिमिनेंट का मतलब जो डिफरेंशिएट करता है. हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी आइदर डेल्टा, और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, लेट से डी ग्रेटर देन जीरो, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन डी अलोन 4 एसी, b स्क्वायर ग्रेटर देन 4, तो फिर मिलते हैं क्या, 2 डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट्स. लेट्स से d इज इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज, तो 2 रियल But same. यानी only one solution. Hmm. Okay. और इसी केस में quadratic expression या फिर ऐसा लिख लो, quadratic will be a perfect square of a लीनियर पॉलीनोमियल. ऑब्वियसली बात है क्वाड्रेटिक के टू फैक्टर्स होते हैं जिससे आपको रूट्स मिलते हैं, और दोनों रूट है सेम, यानी दोनों फैक्टर है सेम, तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर. जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका डी 100% 0 ही आ रहा है, और ये है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ
एक्स माइनस टू. हाँ, तो ये माइंड में रखना कि क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलीनोमियल इन केस इफ डी इज इक्वल टू जीरो एंड इफ डी लेस देन जीरो. फिर इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट, और वी कैन से इमेजिनरी रूट्स. ठीक है, ऐसे. ओके, अब आप मेरे को ये बताओ कि कंक्लूजन के बेसिस पर, जैसे ये क्वेश्चन ही करते हैं, क्वेश्चन है दिस, 2x स्क्वायर प्लस px, सॉरी, प्लस 4x प्लस p इज इक्वल टू जीरो. फाइंड p सो दैट गिवन इक्वेशन having real roots. तो four real roots d greater than or equal to zero. यहाँ पे ऐसा बताया नहीं है कि roots should be distinct या same. d greater than zero करते हो roots real distinct होते हैं, d is equal to zero करते हो तो भी roots real ही होते हैं but same हो जाते हैं. कहने का मतलब ये कि question में जैसे इतना given है कि roots are real, then d greater than or equal to zero and d is b square minus ka 4 a or c, yani 16 greater than or equal to 8p, two times cancel, yani p less than or equal to. तो क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी. इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, तो पी का मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू कितना आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी इज डन. एनी डाउट? चलो जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. प्रैक्टिस शीट सेंड करता हूँ आप लोगों को कंप्लीट करके, ठीक है? नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर को भी हम लोग 2 लेक्चर और देंगे और काफी इसमें भी डीप पे जाएंगे. ठीक है, ओके सर, बाय. चलो फिर मिलते हैं, अगर कोई डाउट है तो बताना, अलग से डिस्कस करते हैं. ओके सर, बाय सर. ओके बाय सर, थैंक यू.